हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर चरणजीत कौर और आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पुराने डीएनए डिस्कवर्ड के बारे में। जो डीएनए डिस्कवर हुआ है अभी नेचर में पब्लिश हुआ है 7 दिसंबर 2022 को। मैं इस पूरे कंप्लीट पेपर के साथ आपके साथ ही आई हूँ। हालांकि मैं पेपर पूरा डिस्कस नहीं करूँगी, ये नेचर में पब्लिश रिसर्च है। पेपर का टाइटल क्या है वो आपके सामने है। देखिए, टाइटल कह रहा है कि टू मिलियन ईयर ओल्ड इकोसिस्टम इन ग्रीनलैंड अनकवर्ड बाय द एनवायरमेंटल डीएनए। एनवायरमेंटल डीएनए से एक दो मिलियन ईयर पहले का इकोसिस्टम कैसा था ग्रीनलैंड के अंदर, जो आज की डेट में एकदम निर्जीव तरीके की जगह है जहाँ पर बहुत ही कम जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पर आज से 2 मिलियन साल पहले क्या हाल था, किस तरीके से था, देख सकते हैं आप लोग। ये पेपर नेचर में पब्लिश हुआ है, ये इसका DOI नंबर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सब इसके ऑथर्स हैं, लगभग 40 वर्कर्स ने इस पर काम किया है। ओपन एक्सेस है, यू कैन एक्चुअली डाउनलोड द PDF इसी को सर्च करके। देखिए इनका एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है, मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि लेट प्लियोसीन एंड अर्ली प्लीस्टोसीन जो इपोक्स होते थे, जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे इपोक्स आते हैं, तो इपोक्स में लेट प्लियोसीन और अर्ली प्लीस्टोसीन का जो टाइम पीरियड है वो 3.6 से लेके 0.8 मिलियन ईयर्स एगो है। उस समय जो क्लाइमेट हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करते थे, और कह सकते हैं कि वो जो आज की डेट में हम थोड़ा आगे की सोचते हैं कि अब आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, उसकी तरह थे या उससे भी ज़्यादा थे। तो अगर हम देखें पैलियो क्लाइमेटिक रिकॉर्ड, यानी कि पुराने जो क्लाइमेटिक रिकॉर्ड थे उसके हिसाब से जो पोलर एम्प्लीफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब लगभग 11 से 19 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा था पोल्स का, जो अब है उससे पोल्स का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। सो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज जो वहाँ पर रहती थी आर्कटिक में उस टाइम पर, वो बहुत ही कम नोन है। क्यों? क्योंकि उसके फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। लेकिन इन्होंने जो एनवायरमेंटल डीएनए ढूंढा है, एनवायरमेंटल डीएनए का मतलब होता है जो कि हम एनवायरमेंट से डीएनए आइसोलेट करते हैं डायरेक्टली, जैसे सॉइल सैंपल, वाटर सैंपल, या फिर हमने एयर का कोई सैंपल लिया, बेसिकली नॉट एयर बट येस, हमने सॉइल सैंपल से हमने लिया है और उससे हमने डीएनए आइसोलेट करने की कोशिश की है। तो जो डीएनए होता है उसकी एनालिसिस करने से आपको ये पता चल सकता है कि वो किस प्लांट से या किस एनिमल से मैच कर रहा है, उसके वजह से ये आपको पता लग सकता है कि नॉर्थ ग्रीनलैंड के अंदर लगभग 2 मिलियन साल पहले किस तरीके के एनिमल या प्लांट रहते थे। तो जो रिकॉर्ड है डीएनए का वो क्या बता रहा है, वो ये बताता है कि उस समय ओपन बोरियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम हुआ करता था, जो आज की डेट में एकदम बैरन लैंड है, वहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम था विद मिक्स्ड वेजिटेशन, जिसमें पॉपुलर प्लांट्स थे, बर्ड्स थे, थूजा ट्रीज थे। इसके अलावा आपको आर्कटिक और बोरियल श्रब्स भी मिलते थे, हर्ब्स भी मिलते थे, यानी कि आज की डेट में ऐसा कोई भी मैक्रो फॉसिल वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, कोई भी पॉलन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, कोई भी चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये सारी चीज़ आपको इस डीएनए की स्टडी से पता चलती है। ये डीएनए रिकॉर्ड ये बताता है कि जो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल एंड हेयर के डीएनए भी मिले एनिमल से, मैस्टोडॉन यानी कि जो आपके मैमथ थे उनसे, रेनियर से, इसके अलावा रोडेंट्स हो गए, जीज हो गए, और बाकी सभी एंशियंट यानी एंसेस्ट्रल या जो आज के जो रिलेटिव्स हैं उनके, प्लीस्टोसीन के जो उस समय के एनिमल्स थे उनके आज के रिलेटिव, उन सबसे वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और ये मेराइन स्पीशीज से भी इनको पता चला, जैसे कि हॉर्सशू क्रैब के यहाँ पर एग्जाम्पल मिले, ग्रीन एल्गी मिले, जो कि ये बताते हैं कि उस समय का जो एनवायरनमेंट था एक वार्म एनवायरनमेंट था आज के मुकाबले, और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उस समय जैसा एनवायरनमेंट था वो अभी भी हो सकता है। फिलहाल ये एब्स्ट्रैक्ट की वजह से आपके लिए क्या मिलता है, कहाँ मिला सबसे बड़ी बात, तो जो डीएनए मिला था वो मिला था पियरी लैंड में, जो कि नॉर्दर्न नॉर्थ पोल में, फार्देस्ट नॉर्दर्न रीजन में, जो ग्रीन लैंड का फार्देस्ट नॉर्दर्न रीजन है पियरी लैंड, वहाँ पर मिला। और उससे ये पता चल रहा है कि जो अर्थ में जो हिस्ट्री में जो लाइफ थी वो बहुत ही गर्म चीज़ों में रह रही थी, मतलब गर्म पीरियड में भी अच्छे से रह रही थी, और जो लैंडस्केप था इट इज़ नाउ हार्श पोलर डेजर्ट, एकदम ठंडा प्रदेश है।
अभी अगर हम देखें पूरी रिसर्च से हमें क्या पता चलता है कि इस इकोसिस्टम में कोई भी मॉडर्न एनालॉग नहीं है। पहली बात, जो आज का सिस्टम है वो पहले सिस्टम से बिल्कुल अलग था। दूसरी चीज इनसे क्या पता चलती है कि ये जो 2 मिलियन ईयर ओल्ड आपका ट्रंक था, लार्ज ट्री से, ये वो पेड़ है, ये वो जगह है जहाँ से आपका इस ट्रंक से डीएनए को आइसोलेट किया गया, इस रॉक साइट से डीएनए आइसोलेट किया गया है। उस जगह से करने के बाद ये कहाँ से आया था, ये पेड़ का जो तना है, ट्रंक है, ये आया था सी से बाय द रिवर, जो कि मतलब पहले का कोई लैंडस्केप रहा होगा और उसका वो सी के अंदर चला गया होगा ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, एंड देन अब वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परमाफ्रॉस्ट, के बारे में हम लोगों ने जोम्बी वायरस वाली वीडियो में भी बात की थी। परमाफ्रॉस्ट वो फ्रॉस्टिंग है, यानी कि वो आइस है जो मेल्ट नहीं है, यानी कि जो परमानेंट स्नो है, उसमें कोई चीज़ अगर पूरी तरीके से है फ्रोजन फॉर्म में, अब वो मेल्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब उसकी वजह से ये जो ट्रंक था वो आपका पहुंचा होगा कहीं ना कहीं सी में, और सी से ये बहता हुआ ग्रीनलैंड के कोस्टल एरिया पे आ गया, और वहाँ कोस्टल एरिया पे जो भी साइंटिस्ट थे उनको मिला और वहाँ से उन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। सो बेसिकली उनका जो कंक्लूजन है आर्टिकल में, वो क्या कहता है कि कोई भी सिंगल प्लांट कम्युनिटी आज की उसमें नहीं मिली, ना ही उन्हें कोई और मैक्रोफॉसिल या डीएनए सैंपल मिला, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि अभी भी वहाँ मॉडर्न बोरियल एंड आर्कटिक टेक्सा के मिले, जो अभी के मॉडर्न वेजिटेशन में नहीं आते, लेकिन वो वहाँ पर थे। सो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब से आपको क्या मिलता है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ हाई आर्कटिक फोटो पीरियड विद वार्मर कंडीशन, बहुत ज़्यादा वार्मर कंडीशन है, हाई आर्कटिक फोटो पीरियड है और लोअर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, जिसने अर्ली प्लीस्टोसिन क्लाइमेट को बनाया होगा जो कि आज के मुकाबले काफ़ी अलग है। इसके अलावा जो मिक्स्ड कैरेक्टर्स हैं टेरेस्ट्रियल असेंबलेंस के, इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द मेराइन रिकॉर्ड, जो कि आर्कटिक में, या ये कह सकते हैं जो आगे के जो रीजंस थे उन सब में देखा गया, जिसमें हॉर्सशू क्रैब मिले, कोरल्स मिले, ग्रीन मैक्रो एल्गी मिली, माइक्रो एल्गी मिली, ये सब ये बताते हैं कि उस समय वार्मर वाटर्स थे और ये चीज़ें थी। अच्छा, ये चीज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर आते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉसिबल है कि अब हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उस स्ट्रैटेजी को मिमिक कर सकते हैं जो उस समय के प्लांट और ट्रीज की हुआ करती थी। यानी उस समय के जो प्लांट थे या ट्रीज थे, उस समय के जो भी प्लांट और ट्रीज थे उनकी जो भी स्ट्रैटेजी थी, तो इतने गर्म एरिया में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाते थे, इतनी वर्स कंडीशन में भी खुद को बचा के रख सकते थे, उस चीज़ को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू यूज़ किया जा सकता है ताकि आप कुछ स्पीशीज को बचा पाएँ, प्लांट की, ट्रीज की बचा सकें, एंड दैट विल बी एक्चुअली गुड फॉर अस, क्योंकि वो एक डिवेस्टेटिंग जो इम्पैक्ट चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको रोक सकता है। इसके लिए प्रोफेसर विलर्सलेव ने एक्सप्लेन किया है कि जो डीएनए है वो जनरली कोल्ड और ड्राई कंडीशन में अच्छे से स्टोर्ड रहता है, जैसा कि हम लोग जानते थे, सच एज दोज दैट प्रिवेल ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पीरियड सिंस द मटीरियल वॉज डिपॉजिटेड एट कैप कॉबिन हॉल। नाउ दैट वी हैव सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड द एंशियंट डीएनए फ्रॉम द क्ले एंड द क्वार्ट्स, अब क्ले और क्वार्ट्स वाली जो चट्टानों वाले रीजन है वहाँ से आपको डीएनए मिलने लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्ले है उसने एंशियंट डीएनए को वार्म ह्यूमिड एनवायरमेंट के अंदर प्रिजर्व करके रखा होगा इन द साइट्स विच आर फाउंड इन अफ्रीका, यानी कि कहीं ना कहीं डीएनए उस मिनरल्स के साथ जुड़ के एक स्टेबिलिटी रख रहा है। सो इफ वी कैन बिगिन टू एक्सप्लोर एंशियंट डीएनए इन द क्ले ग्रेन्स फ्रॉम अफ्रीका, वी मे बी एबल टू गैदर द ग्राउंड ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ मेनी डिफरेंट स्पीशीज, एंड वी कैन एक्चुअली गेन न्यू नॉलेज अबाउट द फर्स्ट ह्यूमंस एंड देयर एंसेस्टर्स, एंड पॉसिबिलिटीज बिल्कुल एंडलेस हैं। सो दिस रिसर्च इज ट्रूली ट्रिमेंडस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसर्च है, हम सबको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। अगर आप इस पेपर को पढ़ना चाहते हैं, मैं इस पेपर को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में, आप इसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका कंप्लीट फुल पेपर भेज दूंगी, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक,
आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी सभी अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।